यहाँ दर्दिश करके और बहुत बड़ी मात्रा में 14 करोड़ 58 लाख रुपीज़ कैश के रूप में बरामद किया गया है। 7 देशों की विदेशी मुद्रा जिसमें कि पाउंड डॉलर दिरहम वगैरह शामिल है वो बरामद की गई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में उज्जैन पुलिस ने इतनी संख्या में नोट बरामद किए हैं जिनको गिनने के लिए मशीनें लगाना पड़ी और आलम ये रहा कि नोट गिनते गिनते नोट गिनने वाली मशीन भी गर्म हो गई और उसके बाद उसको कुछ देर के लिए बंद करना पड़ा। दरअसल पूरा का पूरा मामला मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्रिकेट सट्टेबाजी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। उज्जैन पुलिस को सूचना मिली थी और उसके बाद 3 से 4 जगह पर उज्जैन पुलिस ने दबिश दी थी और मौके से 14 करोड़ रुपए से ज़्यादा की भारतीय करेंसी कैश में बरामद की गई। इसके अलावा उज्जैन पुलिस ने 7 अन्य देशों की करेंसी भी मौके से जब्त की है जिसकी गिनती होना अभी बाकी है। इस पूरे मामले के दौरान उज्जैन पुलिस ने लैपटॉप, सिम कार्ड, मोबाइल फ़ोन, विदेशी सिम, पेन ड्राइव समेत कई इक्विपमेंट जब्त किए हैं जो कि क्रिकेट सट्टेबाजी के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर 9 आरोपियों को हिरासत में लिया है जबकि मुख्य आरोपी फरार बताया जा रहा है। क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर उज्जैन पुलिस के आईजी का, आप भी सुनिए। बहुत बड़ी मात्रा में 14 करोड़ 58 लाख रुपीज़ कैश के रूप में बरामद किया गया है। 7 देशों की विदेशी मुद्रा जिसमें कि पाउंड डॉलर दिरहम वगैरह शामिल है वो बरामद की गई जिसकी वैल्यूएशन भी लाखों रुपए में रही थी। इसके साथ साथ 40 से ज़्यादा जो है वो मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, आईपैड मिनीज वगैरह बरामद किए गए हैं। इसमें 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है जो हिंबाड़ा, बिजाना और नीमच के रहने वाली हैं जो ये बैटिंग का कार्य कर रहे थे। विदेशी करेंसी 7 देशों की है जिसका वैल्यूएशन लाखों रुपए में हुआ तो उसको भी आकलन कर लिया, उसकी भी कार्रवाई और उसमें शामिल की गई कार्रवाई के साथ। लेकिन विभागों को सूचना दी जाएगी, पासपोर्ट किसे सहित नहीं पाया जा रहा। इनकी पासपोर्ट तो अभी पुलिस ने अपने प्राथमिक जांच के स्तर पे पुलिस ने सीज कर लिया था, अपने पास रखा है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्रिकेट सट्टेबाजी नेटवर्क से जुड़े अब तक के सबसे बड़े गिरोह का ये भंडाफोड़ बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस अब इस बात की कोशिश में है कि मुख्य आरोपी को पकड़ा जाए। मुख्य आरोपी का पासपोर्ट सीज किया गया है, साथ ही उसके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया जा रहा है ताकि वो भारत छोड़कर बाहर ना जा सके। साथ ही पुलिस इस मामले में भी अब पड़ताल कर रही है, क्या ये पूरा नेटवर्क भारत के अलावा दूसरे देशों तक भी फैला हुआ है। भोपाल से लोकमत के लिए अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।